राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है आज के ढाबा में। दोस्तों आज एक देसी रेसिपी, हेल्दी और टेस्ट, आज हम बनाएंगे ग्वार फली की सब्जी। इसका चोखा भी बनता है, चटनी भी बनता है, हमारे चैनल पर अपलोड है। ग्वार फली की मसाला वाली सब्जी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और इसको हम बार बार आप लोग सब बोलते हैं कि आप लोग कभी भी कोई भी सब्जी आपको नया मिलता है तो उसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें विटामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हम गोभी, मटर, बीन्स ये सब बराबर खाते रहते हैं, लेकिन जो देसी सब्जियाँ हैं वो हम खाते नहीं हैं। तो इसका तो बार बार मौका मिलता नहीं है और बार बार आदमी ख़रीदता नहीं है, क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं तो क्या होता है कि वो इनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो खाए नहीं है तो पसंद नहीं करते हैं। आप इसको रूटीन में दीजिएगा, महीना में, दो महीना में। और ये क्या होता है कि मतलब बराबर नहीं मिलता है, इसका सीजन होता है, उस सीजन पे ही मिलता है। तो आज हम बनाने वाले हैं ग्वार फली की सब्जी। हम लोग गांव में इसे सेम रहरिया बोलते हैं, और मतलब ये दो टाइम होता है, एक तो अभी हम लोग का हो गया है और एक होगा मार्च अप्रैल में, दो टाइम होता है। इसका फली एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। बड़ा वाला फली का हम बना रखे हैं और इस बार देसी फली था हमारे पास, इसको बनाएंगे। तो चलिए आसान तरीका से हेल्दी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो खेत से लेते हैं सेम रहरिया और फिर चलते हैं बनाने। तो यहाँ देखिए ग्वार फली का पौधा है, हम लोग इसको सेम रहरिया बोलते हैं। तो जो हार्ड हो जाता है नीचे का ना, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, कहे के लिए कि चोखा बनाएंगे या चटनी, लेकिन सब्जी बनाने के लिए एकदम मुलायम मुलायम चाहिए। तो आप चाहें तो इसका पेड़ भी काट सकते हैं और चाहें तो इस तरह से तोड़ भी सकते हैं। ये देखिए ये मुलायम मुलायम है एकदम। इस तरह का सब्जी देंगे ना, जब हम इसको तोड़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये मुलायम है या कि नहीं। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं ना, इसको तोड़ तोड़ के एक टोकरी में रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये नीचे देखिएगा तो एकदम हार्ड हो चुका है, इसका बीज पूरा पूरा है। और यहाँ से ऊपर देखिएगा और देखिए आगे तो और छोटा छोटा है। तो बहुत छोटा नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह का मुलायम चाहिए हमें कि जिसका सब्जी हम आसानी से बना सके। वो मुलायम होता है तो दांतों में फंसता नहीं है। तो इस तरह से इतना ही हम तोड़ेंगे, और बाकी अगर चोखा बनाना हो, चटनी बनाना हो तो इस तरह का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम मुलायम मुलायम ढूंढ के और इसको तोड़ देते हैं सेम रहरिया को। और बाकी इसका ऊपर का जो रहेगा फूल वाला और बहुत ज़्यादा मुलायम है, उसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट दिन किसी दिन बनाएंगे सब्जी। लेकिन अभी हमें मुलायम मुलायम एकदम चाहिए। तो यहाँ देखिए सेम रहरिया दे दिए हैं। तो यहाँ देखिए जो ग्वार फली हम खेत से लेकर आए थे उसको तोड़ देते हैं। इसमें अगर एक आधा रेशा हो, हमने तो तोड़ा है बिल्कुल मुलायम मुलायम, लेकिन एक आधा रेशा हो तो आप निकाल दीजिएगा। इस तरह से तोड़ के देखिएगा, रेशा है तो निकाल दीजिएगा। और जो बहुत मुलायम होता है ना, उसमें रेशा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए ऊपर का ऐसा तोड़ेंगे, इसको आगे से भी तोड़ेंगे, कहीं से भी तोड़ेंगे तो इसमें रेशा नहीं होता है। तो रेशा होगा तो रेशा निकाल दीजिएगा, नहीं तो दांतों में फंसेगा। और बीच से दो दो टुकड़ा कर दीजिएगा इस तरह से, देख रहे हैं। तो रोज़ रोज़ आदमी सब्जी, एक एक सब्जी खा के ही बोर हो जाता है, जैसे खाली गोभी खा के बोर हो जाता है, आलू खा के बोर हो जाता है। तो इसी वजह से सब्जी बार बार आपको जो मिले हरा नया उसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो इधर देखिए हम सब्जी तो बना रहे हैं इधर ग्वार फली की, और उधर देखिए रोटी के लिए अनीता जी आटा गूंदना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हम लोग इसको खाएंगे रोटी के साथ। अभी गून रहे हैं, अभी चाल रहे हैं, चाल रहे हैं। चलते चलते दूर ही लगेगा। जब आप बाजार से भी ग्वार फली खरीद के जाइएगा ना, तो इसी तरह का गुच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि एक एक करके तोड़ने का किसान के पास भी टाइम नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको घर पे ही ये मेहनत करना पड़ेगा, एक एक को पहले तोड़ दें और उसके बाद इसका साइड वाला जो रेशा होता है वो निकाल दें, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपके लिए मूली ले आए खेत से। कब से मेरे दोस्त मांग रहे हैं कि आटा कैसे गुत्ती हो, आप बताइए प्लीज। तो यहाँ देखिए ग्वार फली को इस तरह से दो दो टुकड़ा हम कर दिए हैं। अब इसे धो लेंगे, एक बर्तन में डालेंगे, इसको डूबते हुए पानी में धो लेंगे।
जिस हिसाब से देखिएगा इसमें जितना मिट्टी है उस हिसाब से धो लेना है। तो हम एक पानी इसको धो लेते हैं और निकाल देते हैं। इस खेत से लगभग आधा किलो करीब लाए थे, लेकिन इसमें डंठल उंठल निकल जाता है, तो ये 250 ग्राम के करीब बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम मसाले में लिए हैं 1 टेबल स्पून धनिया, 1 गांठ लहसुन का, 15 काली मिर्च है और 1 टीस्पून जीरा। इन सबको हम पीस देंगे, आप सिलबट्टा में पीसें या मिक्सी जार में पीसें। यहाँ पर चूल्हा जला के कढ़ाई रख लिए हैं और कढ़ाई गर्म हो गया है, तो इसी में डालेंगे सरसों का तेल 1 टेबल स्पून के करीब, थोड़ा कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं। यहाँ तेल को गर्म कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा मतलब 15-20 दाना मेथी का डालेंगे तड़का में। तड़का में आप जीरा भी डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सरसों भी डाल सकते हैं। तो मेथी चटकने लगा है यानी कि तड़का तड़क गया है, तो इसी में डालेंगे ग्वार फली को। इसे धीरे आंच पर 3-4 मिनट भूनेंगे। जब तक ये भून रहा है तब तक हम मसाला पीस लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसे हम एकदम फाइन पीस लेंगे। तो मसाला पीस गया है। हमारे पास ना हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर पीसा हुआ है, तो इस वजह से अगर आपके पास हल्दी और मिर्चा है तो आप इसी में पीस सकते हैं। तो यहाँ पे 3-4 मिनट देखिए ग्वार फली को भून दिए हैं और बढ़िया तरह से भून गया है। अब यहीं पे हम मसाले डाल देंगे। ये जो पीसा मसाला है इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल के हम सिलबट्टा को साफ कर दिए थे। जिस बर्तन में मसाला पीस रखे थे उसमें भी 1-2 टेबल स्पून पानी डाल के साफ कर दिए हैं। यहाँ डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्चा, आप चाहें तो हरा मिर्चा ही पीस के डाल सकते हैं, इससे थोड़ा कलर आ जाएगा बढ़िया, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। स्वाद अनुसार सेंधा नमक, रेगुलर नमक भी आप डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर देंगे। अब इसको धीरे आंच पे ढक के हम लगभग 8-10 मिनट पकाएंगे इसको। देख रहे ना सब्जी कितना बेहतरीन बना है। अब इसमें आप अगर टमाटर डालना चाहते हैं तो मसाले के साथ ही टमाटर काट के डाल दीजिए, नहीं तो ये ऑप्शनल है बिल्कुल। 1 चिटकी यानी कि 1/2 टीस्पून के करीब, 1/2 टीस्पून के करीब आमचूर पाउडर डाल दीजिए। टमाटर भी डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। आज धीरे करके 8-10 मिनट इसको पका लिए हैं। अब आमचूर डालने के बाद, क्योंकि यह पक गया है तभी आमचूर डालिएगा, और इसको अब ढक देते हैं 1-2 मिनट के लिए और फिर सर्व करके दिखाते हैं। तो अब चूल्हा बंद हो गया है और सब्जी हमारा बन के तैयार हो गया है। तो आपको सर्व करके दिखाते हैं कितना बढ़िया सब्जी बना हुआ है। तो सब्जी भी बन के तैयार हो गया है, रोटी भी बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब खा के आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा ग्वार फली बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि इसका हम लोग चोखा, चटनी और इससे ही पहले एक रेसिपी हमने आप लोगों के साथ किया, शेयर किया था, बहुत आप लोगों ने पसंद किया था ग्वार फली की रेसिपी को। तो इसे भी देखिएगा और बताइएगा कि ये कैसा बना है, और आप भी ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। हमें आप लोगों के लिए और कौन कौन सा रेसिपी बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा। हमें फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिएगा, हमारा आईडी लाला जी का ढाबा। तो हम फिर मिलते हैं नई पुरानी और आसान रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। तो यहाँ देखिए रोटी बन के तैयार हो गया है और इधर सब्जी भी तैयार हो गया है, देख रहे हैं कितना बेहतरीन सब्जी बना हुआ है। इसको ग्रेवी वाला मत बनाइएगा, अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा 2-4 चम्मच पानी डाल सकते हैं बस। और सलाद में मूली यानी कि पूरा देसी थाली। तो चलते हैं फिर खाने के लिए। तो आप लोग को अब टेस्ट करके बताते हैं कि ये बना कैसा है।
बहुत ही बढ़िया।